हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कैशोनट हर्ट्स। कैशोनट हर्ट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए एक कप काजू और हाफ कप चीनी। काजू को मैं मिक्सी में पीस लूँगी। पीसते समय एक बात ध्यान रखनी है कि काजू को कंटिन्यू नहीं पीसना है, रुक रुक के पीसना है, और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए, अब मैं इस फाइन पाउडर को इस छन्नी में छान लूँगी। देखिए, मैं इस तरह से छान रही हूँ। इस पाउडर को हम इसलिए छानेंगे ताकि इसमें काजू के पीसेस ना रह जाए। एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। छानने के बाद जो भी छोटे छोटे पीसेस अगर छन्नी में रह जाएंगे तो उसको मैं दोबारा से पीस लूँगी और फिर छान लूँगी। ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट होता है। देखिए, पीसेस आ गए, मैं इसको पीस लूंगी। देखिए, मैंने इनको पीस लिया है और मैं फिर से इसको छान रही हूँ। इसको हम कुक करेंगे। कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो मोटे तले का हो, और इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। और 1/2 कप चीनी ली है मैंने, वो भी इसमें डाल दूंगी। इसको कुक करेंगे। कि पानी बॉयल होने स्टार्ट हो गया है और चीनी भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी। जब चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी तो हम इसमें काजू का जो पाउडर तैयार किया था उसमें हम डाल देंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए, मैं अब इसको फिंगर से भी टच करके चेक कर लूंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी सही है। देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी काजू का पाउडर। जैसे ही काजू का पाउडर डाल लेंगे तो हम इसको चलाते रहेंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। बीच में स्टॉप नहीं करना है। अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये पेस्ट है वो हमारा थिक हो जाएगा, इसलिए इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे कि देखिए, मैं चला रही हूँ उसमें और साइड साइड से इसको मैं उतारती जाऊँगी। ये देखिए, जो भी चिपकेगा इसमें पेस्ट, उसको मैं कढ़ाई से अलग कर लूँगी। देखिए, साइड से मैं उतारती जा रही हूँ इसमें। देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। और इसको कंटिन्यू चलाती रहूंगी।
और इसको तब तक कुक करना है जब तक कि इसका जो पेस्ट है वो थिक ना हो जाए। देखिए पेस्ट थिक हो गया है। कढ़ाई में साइड से चिपका हुआ इसको बिल्कुल हम अलग कर लेंगे। हम इसको सिलिकॉन मोल्ड पे डालेंगे। देखिए मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है, मैं उसमें इस पेस्ट को उसमें डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। सुंदर शेप आई है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जो मार्केट में सिल्वर वर्क जो अवेलेबल होती हैं, सिल्वर वर्क को मैं इस पे लगा लूंगी, जो मिठाई वगैरह के ऊपर लगती हैं। सारे पीसेस में लगा लूंगी। सिल्वर वर्क लगाने से ये और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा।